तो अभी जो ऑडियो सुन रहे हो आप लोग, ये एक बार ध्यान से सुन लो वीडियो की स्टार्टिंग में, क्योंकि अभी इस ऑडियो को मैं पूरा बदलने वाला हूँ। अब आप लोग जो ऑडियो क्वालिटी सुन रहे हो, ये सेम फोन से ऑडियो आ रही है, और ये एक फोन की ऑडियो, लाइक कोई माइक्रोफोन नहीं, कुछ नहीं, एक स्मार्टफोन से ये ऑडियो रिकॉर्ड हो रही है, और ये आप सुन सकते हो इसकी ऑडियो कैसी है। तो मैंने बिफोर आपको दिखाया विदाउट नॉइज रिडक्शन एंड विद नॉइज रिडक्शन कितना फर्क पड़ता है। लाइक मेरे बैकग्राउंड में अभी गाने बज रहे हैं, मेरे बैकग्राउंड में अभी एक फैन चल रहा है, और ये सारी की सारी नॉइज हम लोगों ने रिमूव कर दी है सिर्फ हमारे स्मार्टफोन की हेल्प से। कैसे करा है, आप कैसे कर सकते हो अगर आप एक स्मार्टफोन से ऑडियो रिकॉर्ड करते हो, आपके पास एक महंगा माइक नहीं है, या फिर आप एक सस्ते बजट माइक्रोफोन से ऑडियो रिकॉर्ड करते हो यूट्यूब पे स्पेशली, तब आप लोग ये चीज कैसे कर सकते हो, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताने वाला हूं। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी देखने के बाद तो जरूर लाइक कर देना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, एक सैंपल ऑडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं। लाइक इस ऑडियो को हम लोग एडिट करने वाले, किस पे एडिट करेंगे, कैसे एडिट करेंगे वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा, लेकिन अभी हम लोग एक सैंपल ऑडियो ले लेते हैं। सबसे पहला स्टेप आपको यही करनी है, आपको अपनी ऑडियो को तैयार रखना है। अगर आपकी ऑडियो आपकी वीडियो के अंदर ही है, लाइक आप जिससे वीडियो शूट करते हो वहीं पे उसी ऑडियो को आप एडिट करना चाहते हो, उसी वीडियो के अंदर ही ऑडियो है, तो उसको एक्सट्रैक्ट कर लो। लाइक अपनी ऑडियो को वीडियो से निकाल के एक्सट्रैक्ट कर लो और रख लो। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है वो मैं आपको बताता हूँ, पहले हम भी एक सैंपल ऑडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हो तो मैं आपको बता दूं, मैं इस चैनल पे कंटेंट डालता हूँ रिलेटेड टू वीडियो मार्केटिंग, स्पेशली यूट्यूब, सोशल मीडिया, वीडियो एंड ऑडियो प्रोडक्शन, जैसे ये ऑडियो के ऊपर हमारी वीडियो है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि फ्यूचर में आपको और ऐसी वीडियोस मिल सके। अभी यहाँ पर हमारा दूसरा स्टेप जो आता है कि आपको अपनी ऑडियो को इंपोर्ट करना है हमारे एडिटर। हम कौन सा एडिटर यूज करने वाले हैं, हम यूज करने वाले लेक्सिस ऑडियो एडिटर। इसी के थ्रू हम लोग नॉइस रिड्यूस करेंगे। जिनके पास भी एंड्रॉइड फोन है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर लेना और अपनी ऑडियो को इंपोर्ट कर लेना इसके अंदर। फर्स्ट स्टेप में आपने ऑडियो एक्सट्रैक्ट करी होगी वीडियो से, या फिर आपके पास ऑडियो अलग से होगी तो उस ऑडियो को इस पे इंपोर्ट कर लो। अभी हम लोग आ चुके हैं हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर, लेक्सिस ऑडियो एडिटर के अंदर। अपने को क्या करनी है, दो चीजें आपको यहां पर ऐड ऑन कर दूं मैं। सबसे पहली चीज, आप स्टार्टिंग का जो पॉइंट है ना आपका 5 to 10 seconds, वहां पर कुछ मत बोलो जब आप वीडियो रिकॉर्ड करना स्टार्ट करते हो। ये आपकी हेल्प करेगा बाद में नॉइस को रिड्यूस करने के लिए। इन केस आपने कर लिए फिर भी, तो भी मैं उसका सॉल्यूशन आपको बताऊंगा। दूसरी चीज जो आप लोग ध्यान रखो कि आप जब वीडियो या ऑडियो अपनी रिकॉर्ड करते हो तो उस टाइम पर बैकग्राउंड नॉइज हो सके जितनी कम हो उतना ज्यादा बेटर है आपके लिए, क्योंकि बाद में प्रोसेसिंग में, ऑडियो एडिटिंग में थोड़ा इशू आ सकता है अगर ज्यादा बैकग्राउंड नॉइज हो, तो उसको रिमूव करने में आपकी ऑडियो की क्वालिटी वो भी खराब होगी। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं यहाँ पे सिंपल चीज क्या करनी है। सिंपल, हमारे 2 या 3 क्लिक्स के अंदर पूरा हमारा बैकग्राउंड नॉइज रिमूव हो जाएगा। यहाँ से लेके यहाँ तक हमारी बैकग्राउंड नॉइज है, तो आपको यहाँ से लेके यहाँ तक दिख रहा होगा ये बैकग्राउंड नॉइज है। यहाँ पे हल्की छोटी वेव्स है पर ज्यादा बड़ी वेव्स नहीं है, और यहाँ पर मैंने बोल रखा है तो ये ग्रीन वेव्स आ रही है। ठीक है, जहाँ पे ज्यादा तेज बोला है वहाँ पे ज्यादा बड़ी ग्रीन वेव्स है, जहाँ पे कम बोला है वहाँ पे छोटी ग्रीन वेव्स है। अगर मैं यहाँ पे बैकग्राउंड नॉइज आपको सुनाऊँ सबसे पहले, तो ये मेरी बैकग्राउंड नॉइज आ रही थी, ऑलमोस्ट -30 तक आ रही थी, -30 dB यहाँ तक मेरी बैकग्राउंड नॉइज आ रही थी। अभी अपने को क्या जाना है, आपको सिंपल चीज़ क्या करनी है, आपको जाना है ऊपर टॉप पे इफेक्ट्स पे, इफेक्ट्स पे जाके नीचे स्क्रॉल करा, नॉइज रिडक्शन दिख रहा होगा, नॉइज रिडक्शन पे क्लिक किया। नॉइज रिडक्शन के अंदर अपने को 3 चीजें दिख रही है, थ्रेशोल्ड, रेट एंड अटैक रिलीज। ठीक है, सबसे पहले तो बेसिक सेटिंग ये है, आप ये सेटिंग करके किसी भी ऑडियो से बैकग्राउंड नॉइज रिमूव कर सकते हो अगर आप ज़्यादा चीज़ें नहीं करना चाहते हो। अगर आप कुछ करना चाहते हो, लाइक मैं यहाँ पे सुनूँ, एक बार इसको प्ले करता हूँ, वैसे तो मेरी ऑलमोस्ट बैकग्राउंड नॉइज रिमूव हो चुकी है। इन केस आपकी फिर भी आती है क्योंकि आपके बैकग्राउंड में ज़्यादा नॉइज आ रही होगी, तब आपको एक चीज़ करनी है, सिंपल से अपना रेट को इंक्रीज कर दो। लाइक मैं प्ले करके दिखाता हूँ, एट्टी के अराउंड रख देता हूँ। ठीक है, अप्लाई, तो मैंने 80 के अराउंड रखा क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में वो सैंपल ले रखा था जहाँ से मुझे पता चल सकता है कि बैकग्राउंड में कितनी नॉइज आ रही है, तो वो मेरे काम आया बाद में नॉइज को रिड्यूस करने के लिए। इन केस आपको नहीं करनी ये स्क्रॉल आगे पीछे नहीं करनी चीज़ें, तो ये आप लोग ये सेटिंग लगा दो उस पर सिंपल सी, और आपको कुछ नहीं करना, सिंपल अप्लाई कर दो उसके बाद। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो मैं आपको बता दूं, मैं इस चैनल पर कॉन्टेंट डालता हूं रिलेटेड टू वीडियो मार्केटिंग, स्पेशली यूट्यूब। तो अभी देखा जाए तो ये ऑडियो काफ़ी हद तक हमारी इंप्रूव हो चुकी है, ऑलमोस्ट हमारी बैकग्राउंड नॉइज रिमूव हो चुकी है कम्प्लीटली, और सुनने वाले को बाद में जब हम वीडियो में इसे यूज करेंगे तो उसको और ज्यादा बेटर लगेगा। तो ये हमारा सिंपल सा तरीका था बैकग्राउंड नॉइज को रिमूव करने का। अगर आप लैपटॉप से बैकग्राउंड नॉइज रिमूव करते हो, लाइक ऑडासिटी, अडोबी ऑडिशन सॉफ्टवेयर से रिमूव करते हो, तो आपके लिए और ज्यादा बेटर है, क्योंकि वहां पर अपने को सैंपल लेने का ऑप्शन मिलता है, वो आपकी ऑडियो की क्वालिटी को कम इंपैक्ट करे, क्योंकि उसको नॉइज सैंपल स्टार्टिंग में आप दे सकते हो। अगर आप कर सकते हो तो ऊपर में आई बटन में आपके लिए वीडियो ऐड कर
कर दूंगा, उस वीडियो में मैंने बता रखा है कैसे आप एक फ्री सॉफ्टवेयर ऑडासिटी की हेल्प से बैकग्राउंड नॉइज रिमूव कर सकते हो अपनी यूट्यूब वीडियो के ऑडियो से। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आएगी तो जरूर लाइक कर देना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा।